चलो आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल, वेलकम बैक अनदर वीडियो। क्या हाल है आप सबके? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो चलिए जी, आज मैं जा रही हूँ अपने सिस्टर के घर, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ अपना ड्रेस शेयर करूँ और अपनी डेली रूटीन शेयर करूँ। तो चलिए जी, मैंने ऊपर आई थी सोचा ड्रेस को प्रेस करूँ, तो ये वाला मैंने ड्रेस निकाला है। ये कुर्ता है, ये स्टिच लिया था, तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा इसका मस्टर्ड सा कलर है। तो इस पर पिंक कलर में एम्ब्रॉयडरी हुई है, ग्रीन भी हुई है, ब्राउन भी हुई है। इसके स्लीव पे बहुत ज़बरदस्त सी एम्ब्रॉयडरी हुई है, ये देखें कितनी नीट और कितनी प्यारी सी डिटेलिंग दी गई है। तो नीचे आप इसका दामन भी देख सकते हैं और इसकी नेक लाइन भी देख सकते हैं। तो चलें जी, मैं इधर हो रही हूँ तैयार। तो ये देखें, रूम को इग्नोर कीजिएगा, जब कहीं जाना हो तो ऐसे ही बस इधर उधर चीज़ें बिखरी पड़ी होती हैं। तो ये खुस्सा है, आप देख सकते हैं, ये बस थोड़े दिन पहले मैंने लिया है। तो खुस्सा जो था इस ड्रेस के साथ मैच हो रहा था, मैंने सोचा ये यही पहन लेती हूँ। ये देखिए, हम घर से निकले थे सुबह सुबह, नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ के बस तैयार हुए। नाश्ता कुछ बिल्कुल भी नहीं किया, कुछ भी नहीं खाया, राहिम ने भी कुछ खाया। राहिम तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। तो बस ये देखें, जब हम मोटरवे पे पहुँचे तो बस 6-7 सुबह के बजे थे। तो ये देखें, तो जब हम घर पहुंचे तो गर्मा गर्म नाश्ता हमारा रेडी था। तो जब सबसे पहले, क्योंकि हमें भूख भी लगी हुई थी, हमने घर से भी कुछ नहीं खाया था, तो हमने नाश्ता किया, वही स्पेशल फैसलाबाद का नाश्ता, नान, चने, हलवा, पूरी, कटोरे, जो भी से कहते हैं। तो ये देखिए, इधर नाश्ता कर रही थी, राहिम कुछ ठीक नहीं था, ज़ुकाम हुआ हुआ है बहुत ज़्यादा। तो बस ये मैं नाश्ता कर रही थी, और नाश्ता वगैरह करने के बाद मुझे जो अपना ज़रूरी काम करना था मैंने वो काम किए अपने। तो बस ये देखो, मैंने जा रही थी। अच्छा जी, तो बस फिर मैं अपना काम वगैरह ख़त्म करके घर वापस हम गए, तो देखा राहिम माशाल्लाह से हैप्पी था, राहिम खेल रहा था अपनी दोस्त के साथ, अपनी सिस्टर के साथ, छोटी बहना के साथ। तो बस ये देखें, फिर हम इधर रेडी होने लगे, क्योंकि दूसरी सिस्टर भी पास ही है, तो उसके घर जाना था, मेरे हस्बैंड की जो सिस्टर है उनके घर। तो बस ये देखिए, मैं तैयार वगैरह हो रही थी, बस थोड़ा सा बस अपना हेयर वगैरह सेट कर रही थी, तो बस राहिम को थोड़ा रेडी किया। तो बस ये देखिए, मैंने सोचा अपना फुल ड्रेस अपना दिखा दूँ। तो बताइएगा आप लोगों को मेरा ड्रेस कैसा लगा, तो वीडियो को फुल एंड तक देखिएगा। तो बस, तो आते हुए हम अपनी अम्मी के घर से होके आए थे, आप लोगों को पता होगा मैंने ड्रेस स्टिच होने के लिए दिए थे, वो भी शॉपर भी मेरे साथ ही है। तो मैंने सोचा आप लोगों को वीडियो दिखा दूँ, वो भी मैं आप लोगों को सारे ड्रेसेस दिखाऊंगी, वीडियो बना दूँ, सॉरी। तो ये देखें, बस अब हम जाने लगे हैं, निकलने लगे हैं। तो बस राहिम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं, उधर बच्चे होते हैं, बच्चों के साथ भी खेलना होता है। तो ये देखें, मैं उधर आ गई हूँ दूसरी सिस्टर के घर, उधर फ्री बैठी हुई थी, सिस्टर लगी थी किचन में खाना बनाने। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को ड्रेसेस दिखा देती हूँ जो स्टिच होके आए थे। ये देखें, ये जो गल नेक पे बॉर्डर है ना, ये नीचे दिया गया था ब्लैक कलर में। तो ये देखें, ये अब ऊपर लगाया है, ये देखें कितने अच्छा डिफरेंट सा नेक लग रहा है, नीचे पाइपिंग भी हुई है। तो आप लोग इस तरह से कुछ डिफरेंट कर सकते हैं नेक लाइन, ये देखें जो बॉर्डर नीचे लगाने के लिए दिया होता है, आप इस तरह नेक पे लगा सकते हैं। तो ये देखिए कितना प्यारा कुर्ता स्टाइल में ड्रेस हमारा बन जाता है। ये बुनैनसा सतरंगी के ड्रेस हैं तीनों, ये देखें जिस तरह से मॉडल ने पहने हुए हैं, कार्ड पे सेम उसी तरह से स्टिच करवाए हैं। तो सेकंड ड्रेस है ये देखें, इसके पट्टी लगा के मिड में स्किन कलर की। तो ये देखें, स्लीव पे लूप्स लगा के बटन लगाए गए हैं, ये आप देख सकते हैं, बहुत डिसेंट से तीनों ड्रेस बहुत डिसेंट से स्टिच करवाए हैं। तो आप देख सकते हैं, सिंपल बस सिंपल सी डिज़ाइनिंग है इसमें। तो आप लोग बताना है आप लोगों को सबसे ज़्यादा कौन सा ड्रेस अच्छा लगा, सबसे ज़्यादा किसकी डिज़ाइनिंग और किसकी स्टिचिंग आपको पसंद आई। ट्रोज़र सिंपल हैं खद्दर के बस। तो ये देखें, ये है नेक्स्ट। तो ये देखिए, इसका ट्राउज़र है, लास्टिक सब में डली हुई है, ये फ्रॉक स्टाइल में है। तो ये देखिए, इसकी स्लीव भी बहुत मज़े की हैं, चुंट वाली हैं आगे से। तो ये देखें, ये जो साथ इसकी नेकलाइन लगी हुई है, ये सब पैच थे, तो इस तरह से इसकी नेकलाइन पे लगा दिए गए हैं, देखें कितने ज़बरदस्त से लग रहे हैं। इसकी स्लीव आप देख सकते हैं, ये जो नेक पे डोरी लगाई थी ग्रीन कलर की, हमें जिस तरह का ड्रेस है जिंक रोजी से इस तरह की मिली नहीं, तो
दरअसल ने बोल रहा, लेकिन मुझे अच्छी नहीं लग रही तो शायद मैं चेंज कर दूँ। तो आपको बताना है आप लोगों को तीनों ड्रेस कैसे लगे। तो ये देखिए, विंटर में मुझे खद्दर के ड्रेस ज़्यादा पसंद आते हैं, लिनन के कम, लिनन की बस फ्रॉक्स वगैरह या घर पहनने वाले बना लेती हूँ। तो ये देखें कितना अच्छा लग रहा है, सेम जिस तरह से कार्ट पे है सेम उसी तरह से इसका डिज़ाइन है। ये देख सकते हैं स्लीव्स की, इसकी नेक लाइन ये देखें, तो रेड भी देख सकते हैं, मुझे रेड वाला प्रिंट बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगा, बहुत ही अच्छा लगा। तो बस ये इधर बैठे हुए थे बच्चों के साथ, गपशप कर रहे थे, साथ में फ्रूट खा रही थी और सब बच्चों को खिला रही थी, एप्पल और एप्पल ही खा रहे थे। तो राहिम कह रहा था मैंने ऑरेंज खाना, तो बस राहिम का तो पहले ही गला ख़राब है। तो बस ये देखें, तो फिर हम ऊपर जाने लगे थे, ऊपर कह रहे थे हमारा खाना लग गया है तो ऊपर आ जाए, हमें सब बुलाने आए तो हम ऊपर गए। तो मैंने सोचा आपको थोड़ा बहुत रूम्स वगैरह भी दिखा दूँ। तो ये देखें हम ऊपर आए हैं, तो दहीगा आप लोगों को, ये मेरी अम्मी भी साथ आई हुई हैं। तो इधर हम खाना खाने लगे थे, पुलाव बनाया हुआ था सिस्टर ने, पुलाव था साथ कबाब थे, कटलेट थे सॉरी। तो बस इधर बस मैं खिला रही थी, तो राहिम कह रहा नहीं मैंने ये नहीं खाना, मैंने कढ़ी खानी है। तो बस बच्चों को होता है जो चीज़ हो वो नहीं खानी, जो नहीं हो वो खानी है। तो बस आजकल मौसम भी ऐसा हो रहा है, सबके गले ख़राब हो रहे हैं बच्चों के, तो आप लोग भी अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, ऐसी चीज़ें मत खिलाएं जिससे गले वगैरह ख़राब हो। तो बस मैं भी इसे अवॉइड कर रही थी कि राइस ना खाए, चलो रोटी खा ले, रोटी कबाब के साथ, बच्चों को रोटी नहीं खा रहा था क्योंकि राइस से भी जब बच्चे का गला इतना ख़राब हो तो राइस नहीं देना चाहिए। तो बस ये देखिए ये मेरी प्लेट है, तो मैं बस खाने लगी थी। तो उसके बाद फिर ये देखें थोड़ा सा बाजार आई, तो ये दुपट्टा इसके साथ मैच करना था अपनी फ्रॉक के साथ। तो उसके बाद चेज़ वैल्यू आए, तो चेज़ वैल्यू जो सिस्टर है मेरी, तो उसने कुछ चीज़ें लेनी थी साथ में, उसकी देवरानी थी वो भी हमारी सिस्टर हैं, तो उन्होंने कुछ चीज़ें लेनी थी वो आई। तो मैंने तो कुछ लेना नहीं था, मैं तो बस साथ घूमने आई हूँ। तो बस देखें, तो ये देखें राहिम तंग कर रहा था मुझे, गाड़ी लेके दो गाड़ी लेके दो। तो बस ये देखिए ये मोटरसाइकिल हमने सोचा है बर्थडे पर राहिम को गिफ्ट दें। तो बस ये देखिए बैग्स कितने प्यारे थे। तो बस इधर शूज़ वगैरह मेरी देख रही थी सिस्टर, तो मैं भी देखने लगी, सोचा आप लोगों को दिखा दूँ किस तरह के शूज़ आए हुए हैं चेज़ वैल्यू पे। ये देखिए मैं पहन पहन के देख रही थी, ये 1500 1600 1800 इस तरह इनकी प्राइस थी। ये बंद शूज़ जो हैं तो पीछे से खुले हैं, ये खुद से थे ट्रांसपेरेंट खुद सा, ये देख सकते हैं, ये भी देखें ये भी देखें। तो ये कैसा लगा पहना हुआ। तो ये देखें क्रॉकरी की तरफ आई, इतने प्यारे प्यारे बर्तन थे। तो ये देखें राहें कह रहे थे या बालू लेना या फिर गाड़ी लेनी, तो ये देखें कितने प्यारे प्यारे पड़े हुए थे इधर। मैंने और राहिम ने बस विंडो शॉपिंग की, वो चीज़ें लेनी थी ले ली, तो मेरा इतना मूड भी नहीं था शॉपिंग का, तो बस मैं गाड़ी में आके बैठ गई। तो बस ये मेरे हस्बैंड ये ले आए पॉपकॉर्न, तो मैं वो खाए। फिर हम आ रहे थे घर वापस, तो बस घर वापस पहुँचे तो काफ़ी थकावट हो गई थी क्योंकि घूम घूम के, तो बहुत मज़ा भी आया, फुल डे फैमिली के साथ एंजॉय किया, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का अपना ही मज़ा है। तो बताइएगा कैसा लगा व्लॉग, अच्छा लगे हो तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक लो दोबारा से अगेन अगेन सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।